चाहे कितने भी अच्छे चैनल हमारे लिए डीडी फ्री डिश में भाग लेकर लॉन्च क्यों ना हो जाएं, लोगों की सुई जो है वो अभी भी चार चैनलों पर अटकी रहती है। एक तो आता है आपका जी अनमोल, दूसरा आता है स्टार उत्सव, तीसरा आता है कलच रिश्ते और चौथा चैनल आ जाता है आपका सोनीपत। ये कुल ऐसे चार चैनल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं। शुरू से ही डीडी फ्री डिश की ऑडियंस ने इन चैनलों को बड़ा देखा, बड़ा प्यार दिया और इन्हीं चैनलों को लेकर लोगों के मन में सवाल बने रहते हैं कि आखिर ये चैनल वापसी कब से लौट रहे हैं, क्या इस बार 75 ई ऑप्शन में यानी कि MPEG2 ई ऑप्शन में ये हमारे लिए लॉन्च होंगे। इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई इन चैनलों के बारे में हमें बताइए कि इन चैनलों का क्या हुआ, पार्टिसिपेट किया भी है या नहीं किया है, हम इंतजार करें या ना करें। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे, क्योंकि बाकायदा एक ऑफिशियल वेबसाइट की ओर से इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इन चैनलों का क्या स्टेटस है, इस बार क्या आने वाले भी हैं या नहीं। अब आपको वहां पे सब कुछ पता चल जाएगा और मेरे ख्याल से इन चैनलों का नहीं आना ही बेहतर है, क्योंकि ये जो है आंख मिचोली चलते हैं, कुछ महीनों के लिए लॉन्च होते हैं और बाद में हमें छोड़कर चले जाते हैं, जिससे हमारा जो देखने वाला कार्यक्रम का जो सीक्वेंस होता है वो भी बीच में खराब होता है, इंटरप्ट होता है और आपको जो है कहीं ना कहीं निराश भी होना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि आप दूसरे चैनलों को देखना ज्यादा शुरू कीजिए। दंगल है, शिमारू उमंग है, इसके अलावा आपके लिए अब आने वाले समय में सन नियो भी आ रहा है जो कि एक नया धारावाहिक का चैनल होगा, तो उसको देखना आप शुरू कीजिए। इन चैनलों की जो है उम्मीद मेरे ख्याल से आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी ऑफिशियल मीडिया की ओर से क्या बताया गया है, इस बार आ रहे हैं या नहीं, फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन की ओर रुख कर लेते हैं। चैनल पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले समय में हमारी वीडियोस नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो सीधा हम आपको वेबसाइट की ओर लेकर आ चुके हैं जो कि है बेस्ट मीडिया इन्फो की, और यहाँ पर इन्होंने साफ इन्फॉर्मेशन दे दी है कि यहाँ पर जो है टॉप 4 जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स जो है वो इस बार स्किप कर चुके हैं डीडी फ्री डिश की ई ऑप्शन को, जिसका मतलब है कि ये जो चारों के चारों चैनल्स हैं, कलच रिश्ते, स्टार उत्सव, सोनी पल और जी अनमोल, ये वापिस से डीडी फ्री डिश पर नहीं आ रही है। इन्होंने जो है इस बार ई ऑप्शन को स्किप कर दिया है और ये इस बार ए प्लस बकेट में नहीं आने वाले। तो जहाँ पे इन्होंने जो है बेस्ट मीडिया इन्फॉर्मेशन को जो भी रिपोर्ट मिली है ब्रॉडकास्टर की ओर से, उसका मतलब भी कि ये है कि स्टार उत्सव और जी एन मोस्ट स्टार उत्सव के रजिस्टर चारों के चारों चैनल जो है वो बकेट ए प्लस का इस बार हिस्सा नहीं बने हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है अभी तक सेकेंड राउंड में भी। तो सेकेंड राउंड में भी अगर इनका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली चैनल का इंटरेस्ट नहीं है, बाकी आने वक्त पे कुछ हो जाए तो हो जाए लेकिन चांसेस कम है। और यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि थर्ड राउंड में भी जो है इन चैनलों की कोई बारी नहीं आई है, जिसमें गोल्ड माइंस हो गया या बाकी चैनल जो उन्होंने विजेता घोषित कर दिए हैं, लेकिन जी अनमोल स्टार उत्सव सोनी पल जैसे बड़े चैनल ने जो है इस बार हिस्सा नहीं लिया है। तो अगर आपके मन में सवाल था कि इन चैनलों का क्या हुआ क्या नहीं, तो फाइनली दोस्तों आपको क्लियर हो चुका है कि चैनल फिलहाल वापस नहीं आ रहे हैं। इनके साथ को अभी भी चैनलों को देखना है तो उसके लिए आप जिंक सुपर एफटीए बॉक्स ले सकते हैं जो कि डिश टीवी का एक बॉक्स है, और उसमें आपको तो दो की बजाय चार चैनल भी फ्री मिलता है, तो वो आप बॉक्स ले लीजिए। उसमें आपको चारों के चारों चैनल भी मिलेंगे, डीडी फ्री डिश के चैनल भी मिल जाते हैं और साथ ही में और भी डिश टीवी के जो बहुत से चैनल हैं फ्री टूर वाले वो भी आपके पैकेज में आ जाएंगे। तो बेस्ट चॉइस रहेगी जी सुपर एफटीए बॉक्स आपके लिए अगर आपको इन चैनलों को वापस अपने बॉक्स में देखना है।